नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुरुषोत्तम और आप देख रहे हैं YouTube चैनल अबाउट कोल्ड स्टोरेज इन हिंदी। दोस्तों, इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा माइकम 6 कंप्रेसर का ऑयल फिल्टर चेंज करने के बारे में। तो इसका जो कंप्रेसर ऑयल है उसको निकालने के लिए इसको प्रेशर में ही कंप्रेसर ऑयल निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एक छोटा सा वाल्व है, तो इस वाल्व को खोलेंगे और जितना भी मेन वाल्व है ऊपर का सेक्शन ऑफ डिस्चार्ज उसको बंद कर देंगे। इसके बॉडी के अंदर प्रेशर अभी है तो इसको खोलेंगे तो अपने आप जो कंप्रेसर ऑयल है इस डब्बे में आ जाएगा। तो चलिए इसको खोलते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस कंप्रेसर का बॉडी में जो 3.5 kg प्रेशर है, तो चलिए इसको जो कंप्रेसर ऑयल है बॉडी का उसको निकालते हैं। तो निकालने के लिए इस वाल्व को खोलना पड़ेगा, आप देख सकते हैं। तो खोल लेते हैं इसको। आप देख सकते हैं कि ये जो कंप्रेसर ऑयल है ये आने लगा है, तो चलिए इंतज़ार कर लेते हैं थोड़ा। दोस्तों, कंप्रेसर का बॉडी का जो कंप्रेसर ऑयल है वो निकाल गया है, पूरा कंप्लीट हो गया है। और इसका प्रेशर जो है ये निकाल रहे हैं, देख सकते हैं कि यहाँ डिस्चार्ज लाइन से एक पाइप लगा है जो बाहर को गया है। तो इस प्रेशर को, इस बॉडी का प्रेशर को निकाल रहे हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि जो प्रेशर है ये डाउन हो रहा है, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये इसका बॉडी का प्रेशर निकल गया है, 0 पर आ गया है। अब चलिए ये जो बॉडी का ढक्कन है ये खोलते हैं, इसके बाद हम इसका फिल्टर और ऑयल चेंज करेंगे। तो चलिए इसको खोल लेते हैं। सबसे पहले इस पाइप को खोल लेंगे। अब इस नट को खोलेंगे जो इसका कवर है, साइड कवर, उसका बोल्ट को खोलेंगे। तो चलिए खोलते हैं। सभी बोल्ट को खोल लेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसका सभी बोल्ट खुल गया है। अब इस ढक्कन को निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। आप देख सकते हैं कि ये ढक्कन निकल गया। आप अंदर देख सकते हैं जो दिख रहा है ये फिल्टर है, ऑयल फिल्टर। और ये जो दिख रहा है सामने आपको, ये ऑयल हीटर है। और अंदर का कनेक्टिंग रॉड और क्रैंकशाफ्ट आपको दिख रहा होगा। तो चलिए इसका ऑयल निकालते हैं। अब देख सकते हैं दोस्तों कि इसका फिल्टर जाम हो गया है। इस फिल्टर को साफ करके लगाएंगे। आप देख सकते हैं इसमें फिल्टर बार बार चेंज नहीं होता है, एक ही फिल्टर को कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं उसको साफ करके, क्लीन करके। चलिए दोस्तों, इसका फिल्टर खोल लेते हैं, उसके बाद से चैम्बर को साफ करते हैं, पूरा क्लीन कर लेंगे अच्छी तरह से। तो चलिए इसका फिल्टर खोलते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, चलिए फिल्टर इसको खोल लेते हैं। अब देख सकते हैं दोस्तों कि ये पूरी तरह जाम हो चुका है, थोड़ा भी इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो इसको क्लीन करेंगे, साफ करेंगे, डीजल में हो या केरोसिन में अच्छी तरह से इसको साफ कर लेंगे।
और इसका चैम्बर भी अच्छी तरह साफ कर लेंगे। देख सकते हैं बहुत ज़्यादा काला हो गया है, तो इसका जो ऑयल है ये अच्छी तरह निकाल लेंगे और पूरी तरह क्लीन कर लेंगे। उसके बाद से इसमें ऑयल डालेंगे। चलिए दोस्तों पहले बॉडी को साफ कर लेते हैं, जो चैम्बर है इसका। चलिए साफ करते हैं। ये जो केरोसिन है ये डाल रहे हैं इसकी चैम्बर को सफाई करने के लिए। आप देख सकते हैं कि इसमें केरोसिन डाला हुआ है। अब कॉटन की मदद से इसको साफ करेंगे अच्छी तरह अंदर। आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये इसका बॉडी जो है अंदर से पूरी तरह क्लीन हो चुका है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह ये साफ हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इस जो फिल्टर है इस फिल्टर को साफ करेंगे, इस फिल्टर को साफ करेंगे, आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको भी साफ करते हैं केरोसिन में। ये साइड कवर है इसको भी साफ कर लेंगे और इसका गेज है जो कंप्रेसर ऑयल को देखा जाता है वो भी साफ कर लेंगे अच्छी तरह से अंदर से केरोसिन के मदद से। आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये है फिल्टर, इसको अच्छी तरह साफ करके इसको सुखा लिया है। आप देख सकते हैं थोड़ा भी इसमें कुछ भी नहीं है, इस तरह आप भी साफ कर लीजिएगा। तो चलिए इसको लगाते हैं इसके अंदर। इसको टाइट कर लेंगे दोस्तों। टाइट कर लेंगे इसको। हो गया है टाइट। ये जो साइड कवर है इसका, तो साइड कवर को लगाकर इसका जितना भी बोल्ट है इसको टाइट करेंगे। उसके बाद इसमें कंप्रेसर ऑयल को डालेंगे। तो चलिए इसको साइड कवर लगाते हैं इसको। आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसको फुल टाइट कर लेंगे ताकि लीक ना करे साइड से। चलिए इसको टाइट करते हैं। ये फुल टाइट हो गया। आप इसको लगाएंगे, पाइप को लगाएंगे। अब इस कैप को खोलेंगे। दोस्तों इसमें माइकम कंप्रेसर में अगर बॉडी को वैक्यूम करके इसमें कंप्रेसर ऑयल चार्ज किया जाए तो इसका जो सील है सॉफ्ट सील होता है वो लीक कर जाता है, चांसेस रहते हैं लीक करने का, जल्दी लीक कर जाता है। इसलिए इसको खोल कर यहाँ एक पाइप लगाकर और इस तरह बनाकर आप लगा सकते हैं। बॉडी का प्रेशर निकाल कर इसमें कंप्रेसर ऑयल डालकर फिर इसको बंद कर सकते हैं। चलिए इसमें कंप्रेसर ऑयल डालते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें एक प्लास्टिक का डब्बा लगा दिया है तेल जो कंप्रेसर ऑयल है डालने के लिए। अब इसमें कंप्रेसर ऑयल डालेंगे, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ तक आ गया है कंप्रेसर ऑयल, तो पूरी तरह डाल देंगे इसमें। इसका जो ढक्कन है वो लगा लेते हैं, आप देख सकते हैं। तो इसमें टेफ्लॉन लगाकर इसमें टाइट कर सकते हैं। तो चलिए इसको टाइट कर लेते हैं। तो दोस्तों आप इस तरह माइकम कंप्रेसर का ऑयल फिल्टर को चेंज कर सकते हैं
और उसको क्लीन भी कर सकते हैं, क्लीन करके इसमें लगा सकते हैं दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।